हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आईपीएल बुलेटिन लेकर के। कल जो मैच हुआ दिल्ली और बैंगलोर का, बिल्कुल बहुत बढ़िया मैच था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली ने एक बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाया। वो क्या रिकॉर्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले अगर हम बात करें कि कल के मैच की, तो कल दिल्ली और बैंगलोर दोनों ने ही क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ के लिए। बैंगलोर हार गई लेकिन रन रेट के हिसाब से वो क्वालिफाई कर पाई, और दिल्ली ने तो जीत के नंबर दो पे अपनी दावेदारी हासिल करी। और कल के मैच के बारे में अगर बात करें तो पडिकल की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग एक मुझे देखने को मिली है, बट साथ ही साथ मुझे लगा कि कोहली से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो बहुत जल्दी बाजी में थे। एक कैच ड्रॉप हुआ लेकिन दूसरी बार फिर जल्दी से आउट भी हो गए। साथ ही एनरिक की तारीफ करनी होगी, 3 विकेट लिए, एक कैच छोड़ा कोहली का लेकिन उसके बाद उसको कंपनसेट किया और 3 विकेट्स लिए। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत बढ़िया अजिंक्य रहाणे ने एक बैटिंग दिखाई है, जो कहते हैं कि बिल्कुल जब जरूरत थी तब परफॉर्म किया है। पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए लेकिन उसके बाद उन्होंने, और जो धवन ने इनिंग्स को संभाला है, धवन तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और कल भी बहुत शानदार एक बैटिंग उन्होंने दिखाई है। तो मेरे हिसाब से जो कल रहाणे ने उनको सपोर्ट किया, जो बैक किया, वो बहुत बढ़िया था। थोड़ा जल्दीबाजी में लास्ट के टाइम पे गलत शॉट मारते हुए आउट हो गए रहाणे, लेकिन जितना खेले बहुत अच्छा खेले। और उधर से जब मुझे सिराज की बॉलिंग एक वो बड़ी अच्छी लगी, जब उन्होंने पृथ्वी शॉ को आउट किया, तो दोनों तरफ से थोड़ा मुझे लगा कि कोलकाता की तरफ से 10-15 रन, अगर 20 रन और होते तो ये मैच कुछ और हो सकता था। लेकिन बहरहाल दिल्ली की फेवर में रहा, ये दिल्ली के फैंस के लिए, मेरे जैसे फैंस के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। और अगर हम आगे की बात करें तो अब कल जो आज जो मैच होने वाला है वो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का, वो दोनों डिसाइड करेंगे कि भैया कि कौन कौन जीतता है। मुंबई तो टॉप में है ऑब्वियसली, तो सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि वो जीते और क्वालिफाई करे। अगर हार जाते हैं तो कलकत्ता ऑब्वियसली नंबर 4 पर क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन हैदराबाद की अगर मैं तारीफ करूँ तो पिछला मैच जीतते हुए आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, बॉलिंग पे बहुत ज्यादा अपने आप रिलाई करते हैं और अच्छी बॉलिंग भी करते हैं नो डाउट। तो आज का मैच जो होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कल हमने एक और चीज भी देखी साथ में, अगर हम बात करें तो शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जो कि बहुत बढ़िया खेलते थे, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इनके बारे में अगर जितनी तारीफ करी जाए बहुत कम होगी, टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करते थे, और अब उन्होंने कह दिया कि वो हर एक मैच से, हर एक क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, अभी लास्ट मैच उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से खेला है, तो वो अब उनको दिखा कि परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो पा रही है, एज भी एक नंबर फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजहों से वो अपने आप को उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब ये टाइम है कि अब सारे मैचेस से, सब जगहों से रिटायरमेंट लिया जाए। तो हम उनकी उनको शुभकामनाएं देते हैं आगे उनके फ्यूचर के, और मुझे लगता है कि वो कमेंट्री में आपको नजर आएंगे दोबारा से, या हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग में कहीं कोचिंग में कहीं आगे और भी नजर आए, और अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ कर सकते हैं कोचिंग का, या किसी भी तरीके से, वो उनका डिसीजन है, पर बहुत बढ़िया है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के रिकॉर्ड की। तो दिल्ली का रिकॉर्ड ऐसा है कि ये बहुत ही दिलचस्प रिकॉर्ड है। हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार जी ने हमें बताया कि दिल्ली एकमात्र ऐसी टीम है जो प्लेऑफ में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक सारी पोजीशन में आई है। मतलब अभी जैसे प्लेऑफ में वो दूसरे नंबर पे आई है, तो ऐसे वो पिछली बार तीसरे नंबर पे थी, उससे पहले कभी 1 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 5 नंबर, तो 1 से 10 नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब में दिल्ली ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है, और ये बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीएल अब होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के पास अभी भी 2 मौके हैं। अब 2 मौके मिलेंगे उनको, एक तो वो मुंबई के साथ मैच खेलेंगे, अगर वो हार भी जाते हैं तो एक और चांस मिलता है उनको फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो ये दिल्ली ने बहुत अच्छा किया कि दूसरे नंबर पे आकर के अपने आप को काबिल बनाया कि भैया अब अगर आप हार भी गए तो एक मौका और मिलेगा, और मेरी उम्मीद यही है कि दिल्ली अच्छा खेले। और आज मैं चाहूंगा कि एक अच्छा मैच हो और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हमें एक अच्छा, एक टफ कॉम्पिटिशन मिले, क्योंकि मुंबई तो बहुत बढ़िया चली रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है, आप जुड़े रहिए दिल्ली लेट्स प्ले से। थैंक यू।